जब से इसराइल ने हिजबुल्ला पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए हैं, तब से ही मिडिल ईस्ट में ईरान के प्रॉक्सी संगठन बुरी तरह तिलमिला गए हैं। जी हां, यमन के हूती से लेकर इराक सीरिया के प्रतिरोधी समूह अब हिजबुल्ला की ढाल बनकर मैदान में कूद पड़े हैं। इसराइल के लिए हिजबुल्ला से पंगा लेने का मतलब है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना, और यही वजह है कि अब इसराइल पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। दरअसल इराक के प्रतिरोधी समूह ने इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया है। प्रतिरोधी समूह ने इसराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर कई ड्रोन्स फायर किए, और इस हमले के अलावा प्रतिरोध समूह ने इसराइल के ऊपर एडवांस अल अरकाब क्रूज मिसाइल भी फायर की। प्रतिरोधी समूह ने इन हमलों को लेकर एक बयान भी जारी किया, जिसमें उसने कहा है कि फिलिस्तीन और लेबनान में कब्जे का विरोध करने और हमारे लोगों के समर्थन में हमले जारी रखते हुए बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित नागरिकों के खिलाफ इजरायली नरसंहारों के जवाब में इराक में इस्लामी प्रतिरोध के लड़ाकों ने शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को ड्रोन के साथ कब्जे वाले गोलन में एक टारगेट पर बमबारी की। आपको बता दें कि इराक से हुए ड्रोन हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ ड्रोन रेतीली जमीन के ऊपर लॉन्चर पर खड़े दिख रहे हैं और अचानक से ये ड्रोन फायर हो जाते हैं और एक के बाद एक ये ड्रोन आसमान में उड़ान भरने लगते हैं। ड्रोन के अलावा प्रतिरोधी समूह ने मिसाइल हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें रात के अंधेरे में एक मिसाइल फायर होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इराक और इसराइल के बीच करीब 1093 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिरोधी समूह इसराइल पर हमला करने में कामयाब हो रहे हैं। यहां पर आपको ये ज़रूर बता दें कि इराक और सीरिया के प्रतिरोधी समूह हिजबुल्ला और हमास को सीधे ईरान कंट्रोल करता है। ये सभी मुखौटा संगठन ईरान के एजेंडे को लागू करने का काम करते हैं। इन सभी के निशाने पर सिर्फ इसराइल ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डे भी हैं, जिन पर हालिया महीनों में कई हमले हुए हैं। इराक और सीरिया दोनों ही जगहों से अमेरिकी सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। आपको बता दें कि 9 अगस्त 2024 को पूर्वी सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे रुमालियान लैंडिंग जोन पर एक कामिकेज ड्रोन से हमला हुआ था, जिसमें अमेरिका के 8 सैनिक घायल हुए थे, और इसके बाद 11 अगस्त 2024 को अमेरिकी बेस पर एक ड्रोन हमला हुआ था।